गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने की अंग्रेजी बनाना सीखा है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी डियर के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में बहुत से वाक्य डियर से शुरू किए जाते हैं, उसे इंट्रोडक्टरी डियर कहते हैं। वाक्य में इस डियर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे एम्प्टी डियर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, जब हिंदी वाक्यों की क्रिया है, हैं, था, थे, थी, रहे तथा कर्ता वाक्य के प्रारंभ में नहीं आकर वाक्य के अंत में है, हैं, था, थे, थी के ठीक पहले आए, तब इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद इंट्रोडक्टरी डियर से शुरू किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, इंट्रोडक्टरी डियर के बाद वर्ब अपने असली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। चौथा है इसमें पॉइंट, ऐसे वाक्यों से किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिर स्थिति, अस्तित्व या स्थान का बोध होता है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई व्यक्ति वस्तु स्थिर स्थिति में है, इसलिए इनसे अस्तित्व का बोध होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, वाक्य का कर्ता अनिश्चित हो, ध्यान रहे कोई प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन या कोई पजेसिव युक्त कर्ता निश्चित होता है, जबकि अन्य कर्ता अनिश्चित होते हैं। जैसे चार भाई थे। अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जितने पॉइंट्स हम यहाँ बताए हैं वो सब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चार भाई थे, चार भाई अनिश्चित करता है, तो और थे के जस्ट पहले जो है लिखा गया है, तो इसका जो है देयर से बनेगा। देयर वर फोर ब्रदर्स, और देयर के बाद जो वर्ब लगा है वो वर लगा है इस चार भाई के अनुसार। ये जो चार भाई फोर ब्रदर्स है, ये प्लूरल प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार जो है प्लूरल वर्ब का यहाँ पे यूज हुआ है, तो देयर वर फोर ब्रदर्स। दूसरा है, कभी कभी आवाज होती थी, तो आवाज यहाँ पे अनिश्चित करता है, तो कभी कभी का हो जाएगा सम टाइम्स। आवाज होती थी ये देयर से बनेगा, क्योंकि आवाज अनिश्चित करता है, तो देयर वाज साउंड, और इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मेज पर कोई पुस्तक होनी चाहिए, तो देयर शुड बी अ बुक ऑन द टेबल, क्योंकि कोई पुस्तक यहाँ अनिश्चित करता है, तो ये देयर से शुरू होगा, और होनी चाहिए इसका शुड बी हो जाएगा, देयर शुड बी अ बुक ऑन द टेबल। अभी तक हो सकता है आपको न समझ में आ रहा हो, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ धीरे धीरे। हम लोग देखते हैं कि निश्चित कर्ता और अनिश्चित कर्ता क्या होता है। अगर ये मालूम हो जाए कि निश्चित कर्ता क्या होता है, तो जितने सब बचेंगे वो अनिश्चित कर्ता हो जाएंगे, फिर वहाँ पे हम लोग आराम से देयर का प्रयोग कर लेंगे। तो निश्चित कर्ता, जैसे प्रॉपर नाउन जो होता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन हो जाता है, तो दिल्ली है ये, इट ये जो है निश्चित, दिल्ली निश्चित कर्ता है, तो इसको हम लोग इट से बनाएंगे, इट इज दिल्ली। मैं हूँ, जैसे दिल्ली है हो गया, इसी तरह से जो है राम है, सीता है, गंगा नदी गंगा है, हिमालय है, ये सब जो नाम है ये निश्चित कर्ता होते हैं, तो इनको देयर से हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको इट से बनाएंगे, इट इज दिल्ली। इस तरह से जो प्रोनाउन होते हैं, मैं हूँ, तुम हो, वह है, वे हैं, तो ये सब देयर से नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सब निश्चित कर्ता है, इसको इट से बनाएंगे, इट इज आई या इट इज मी। और मेरी घड़ी है, मेरी पजेसिव है, और
इसमें जो है कोई संज्ञा, पदस्यु प्लस संज्ञा, जैसे मेरी घड़ी है, तुम्हारी माँ है, उसके भाई हैं, उनकी किताब है, तो ये सब जो है निश्चितकर्ता होते हैं। इसको इट से बनाएंगे ना कि देयर से बनाएंगे। तो इट इज माई वॉच। और घर में राम है या घर में वह है, तो राम इज इन द हाउस। तो निश्चितकर्ता यही तीन होते हैं, प्रॉपर नाउन, और जो प्रोनाउन होता है, मैं वह तुम, मैं हूँ वह है तुम हो, और मेरी घड़ी, उसकी किताब, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ये सब निश्चितकर्ता होते हैं। तो बाकी जितने बचे सब अनिश्चितकर्ता, मतलब इनके अलावा अगर कोई भी रहे तो अनिश्चितकर्ता है, उसके साथ देयर का हम प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। पहला टाइप है अनिश्चित संज्ञा हो या सर्वनाम कर्ता के रूप में, और फिर क्रिया होना हो, हैं, हूं, हो, था, थे, थी, ये सब लगा हो, तो उसकी अंग्रेजी बनेगी देयर प्लस वर्ब बी, मतलब बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब से। फिर इंडिफिनिट नाउन मतलब अनिश्चितकर्ता या इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट लगेगा उसमें। तो इसका बनेगा, जैसे पहला है एक बंदर है। एक बंदर चूंकि ये अनिश्चितकर्ता है, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि अनिश्चितकर्ता होता क्या है। अनिश्चितकर्ता यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, राम है, श्याम है, मोहन है, दिल्ली है, ये सब नहीं है, इसलिए निश्चित नहीं है। और न तो यहाँ जो है प्रोनाउन है, वह है, तुम हो, वे हैं, ये सब भी नहीं है, और न मेरी घड़ी है, न तुम्हारे भाई हैं, इस तरह का सेंटेंस नहीं है। तो इसके अलावा जो भी कुछ लिखा जाता है वो अनिश्चितकर्ता होता है। तो यहाँ एक बंदर है, ये अनिश्चितकर्ता है, तो इसको देयर से हम लोग बनाएंगे, देयर इज अ मंकी। दूसरा एग्जाम्पल है एक किसान है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि है के ठीक पहले लिखा हुआ है के ठीक पहले एक बंदर लिखा हुआ है, एकदम सटे हुए, और इसमें देयर के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज किए हैं, क्योंकि एक बंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं इसमें। तो देयर इज अ मंकी, एक किसान है, देयर इज अ फार्मर, एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग, एक रानी थी, तो देयर से स्टार्ट होगा क्योंकि ये भी अनिश्चित करता है, तो देयर फिर एक रानी है इसलिए वाज लगेगा यहां पर, तो देयर वाज अ क्वीन। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है दो घोड़े हैं। तो यहां दो घोड़े हैं और दो घोड़े अनिश्चित करता है, देयर से स्टार्ट होगा देयर, चूंकि दो घोड़े हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए देयर के बाद प्लूरल वर्ब आएगा, चूंकि हैं, इसलिए हैं में प्लूरल आर होता है, तो देयर आर टू हार्सेस। कुछ फूल हैं, यहाँ कुछ फूल अनिश्चित करता है, तो देयर से शुरू होगा देयर। अब कुछ फूल, सम फ्लावर्स, तो ये सम फ्लावर्स जो है प्लूरल है, इसलिए देयर के बाद आर लगेगा, तो देयर आर सम फ्लावर्स। एक नदी थी, तो एक नदी अनिश्चित करता है, तो यहाँ देयर चूंकि थी तो वा जाएगा, एक नदी है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो जो है इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो देयर वाज अ रिवर। एक बाजार था, तो देयर वाज अ मार्केट। एक नया घर है, तो देयर इज अ न्यू हाउस, क्योंकि नया घर, ये भी एक नया घर अनिश्चित करता है, तो ये देयर इज अ न्यू हाउस। और नेक्स्ट है एक छोटा शहर था, तो यहां हो जाएगा देयर वाज अ स्मॉल टाउन। अब हम लोग दूसरे टाइप को देखेंगे, इसमें होता है वहां या यहां, फिर अनिश्चित संज्ञा जैसे पीछे देख के आए हम लोग, और सर्वनाम, फिर कर्ता, फिर क्रिया होना, हैं, हूं, था, थे, थी, ये रहेगा, तो इसका बनेगा देयर प्लस बी
वर्ब बी इज एम आर वाज वर, फिर इंडेफिनिट नाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, फिर देयर और हियर जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला यहाँ एक फुलवारी है, तो एक फुलवारी ये अनिश्चित करता है और इस किसका बनेगा देयर इज अ गार्डन, और जो ये यहाँ दिया है इसकी अंग्रेजी भी लास्ट में बनेगी, तो देयर इज अ गार्डन हियर। दूसरा है वहाँ एक गाय है, तो देयर इज अ काऊ देयर, वहाँ का देयर फिर से रिपीट होगा यहाँ पर। तीसरा है यहाँ एक तालाब है, तो देयर इज अ टैंक, और यहाँ का हियर देयर इज ए टैंक हियर। वहाँ बहुत भीड़ है, ये भी अनिश्चित करता है बहुत भीड़, तो देयर इज अ ग्रेट रस देयर। वहाँ एक बड़ी नदी है, तो देयर इज अ बिग रिवर देयर। छठा है वहाँ दो पेड़ थे, तो देयर वर टू ट्रीज देयर, क्यों, क्योंकि जो है दो पेड़ ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगेगा, तो देयर वर टू ट्रीज देयर, तो इसके अनुसार जो है यहाँ पे वर्ब लगता है। सातवां है वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो देयर इज अ बिग टेम्पल देयर। वहाँ एक बाग है, देयर इज अ टाइगर देयर। यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, तो कुछ समस्याएं भी यहाँ अनिश्चित करता है, तो इसका बनेगा कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ का हियर हो जाएगा। यहाँ काफी जगह है, तो काफी जगह भी अनिश्चित करता है, तो देयर इज एनफ रूम हियर, यहाँ का हियर हो जाएगा। वहाँ कुछ खिलाड़ी थे, तो कुछ खिलाड़ी भी अनिश्चित करता है, तो बनेगा देयर कुछ खिलाड़ी सम प्लेयर्स, यानी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर लग जाएगा, तो देयर वर सम प्लेयर्स देयर। यहाँ शांति रहेगी या यहाँ शांति होगी, तो शांति भी जो है अनिश्चित करता है, तो इसको भी देयर से बनाएंगे, देयर विल बी पीस हियर, चूंकि होगी है तो विल बी लगेगा। यहाँ कुछ होगा, तो कुछ भी अनिश्चित है, तो यहाँ देयर विल बी समथिंग हो जाएगा कुछ का हियर, देयर विल बी समथिंग हियर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।